नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल द्वारा जिले में पतंगबाजी को लेकर कोई घटना घटित ना हो, इसी के लिए जिले में चाइना के डोर के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया है, जिसके पालन में एसडीएम मनासा पवन बारिया और एसडीओपी संजीव मुले के मार्गदर्शन में तहसीलदार मनासा मनोहर वर्मा और थाना प्रभारी मनासा कन्हैया लाल दांगी के नेतृत्व में नगर मनासा में पतंग और डोर विक्रेताओं की दुकानों की तलाशी जांच कार्यवाही की गई, जिसमें न्यू लक्ष्मी कंगन स्टोर विजय स्तंभ मनासा के मुकेश पिता बाबूलाल तंबोली जाति तंबोली उम्र 40 वर्ष निवासी रॉयल रेसिडेंसी मनासा के दुकान से 49 चाइना के डोर के मांझे मिले, जिनको जब्त कर अपराध क्रमांक 17/2022 धारा 188 भादवी का कायम किया जाकर आरोपी दुकानदार मुकेश तंबोली के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई। प्रशासन द्वारा जिले वासियों से आग्रह किया जाता है कि जिले में कहीं भी यदि कोई चाइना डोर का विक्रय कर रहा है तो इसकी सूचना तत्काल प्रशासन को देवे, ताकि उस पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।